हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अच्छा सा जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है, तो सबसे पहले ये प्यारी सी बच्ची देख लीजिए, कौन है, इतनी सुंदर सी, क्यूट सी। तो ये कौन है और मैं इसी चीज़ के बारे में आज आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आज बालों को वॉश किया है। आप लोग बोलेंगे कि मैं बालों को हमेशा हमेशा वॉश करती हूँ, पता नहीं मुझसे ना रहा नहीं जाता। गर्मी जब तक रहेगी ना, तब तक मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं बालों को बहुत ज़्यादा वॉश करती हूँ। मतलब एक दिन स्किप करके तो मैं कर ही लेती हूँ, और अगर ऐसा कुछ रहता है कि आज मेरे को पसीना आ गया या फिर कुछ गर्मी ज़्यादा लगी, तो मैं रोज़ भी मतलब हो ही जाता है। तो चलिए अभी करते हैं काम, थोड़ा बालों को सिखा लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे कुछ काम। कभी कभी क्या होता है कि मैं ड्राई करने के बाद बालों को कॉम करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑयलिंग की थी तो मैं थोड़ा सा गीले बालों में ही कॉम निकाल दूँगी, क्योंकि जब ऑयलिंग कर लेते हैं तो हमारे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैंने स्पा वाली जो क्रीम होती है वो भी अप्लाई की थी आज हेयर्स में, तो इस वजह से बाल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ मैं इसमें कॉम निकाल देती हूँ, वरना फिर ऐसे ही हो जाता है, मतलब लेट जाती हूँ तो फिर देरी हो जाती है मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सा बालों को कॉम्ब कर रही हूँ, और देखो मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं। पता नहीं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल मुझे होता था कि मुझे इनको कट कराना ही पड़ा, वरना मेरे बाल बहुत लंबे थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने बाल भी धुले हैं, क्योंकि आज वैसे तो मेरे को बाल नहीं धुलने थे, लेकिन मैंने फेशियल कराया था, तो इस वजह से ना जब फेशियल कराते हैं तो यहाँ पे पूरा क्रीम व्रीम भरी जाती है, तो इस वजह से शायद अजीब अजीब सा लग रहा था मुझे। स्क्रब चला जाता है बालों में और क्रीम भी चली जाती है, तो ऑयली सा हो जाता है, वो चिपचिप वाला अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो बाल धो लेती हूँ, सही रहेगा। और बाल धुल चुकी हूँ और अब क्या करूँगी, किचन में जाऊँगी, थोड़ा सा काम करूँगी, ज़्यादा काम तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ मैं। जैसे कि खड़े खड़े सब्जी बना देती हूँ और खाना दे देती हूँ कभी कभी, लेकिन रोज़ का नहीं है। ये है कि जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। तो अभी जाएंगे किचन में, आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी की सारी तैयारियाँ तो वैसे मैंने पहले से करके रखी हुई है, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, और जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हुआ, तो मैंने पकौड़ी का जो बैटर था वो पहले से बना कर रखा था, और मैं यहाँ पर धीरे धीरे से गोल गोल छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डाल दूँगी इसमें। क्योंकि पता है क्या, कढ़ी और पकौड़ी की जो रेसिपी है वो मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी, तो मैंने सोचा कि बहुत डीपली शेयर नहीं करती हूँ, ऐसे ही थोड़ा हल्का सा दिखा देती हूँ, क्योंकि बार बार एक ही रेसिपी देख देख कर इंसान बोर हो ही जाता है। और मुझे आज जल्दी भी थी, तो इसलिए भी मैंने सारी रेसिपी शूट नहीं की है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हम पूरी रेसिपी शूट करते हैं। तो कढ़ी की रेसिपी तो मैं वैसे भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी पकौड़ी है ना, बन चुकी है, डाल चुकी हूँ, और इतनी अच्छी सी पकौड़ी बनती है मेरी गोल गोल। पता नहीं लास्ट टाइम की वीडियो पर शायद कमेंट आए थे काफ़ी कि आप इतनी गोल वाली पकौड़ी कैसे बनाते हो, कि मतलब हमसे तो फैल जाती है या फिर वो टाइट हो जाती है, मेरी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो इसका बैटर जो है ना, बस बैटर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी भी, जब भी मैं अपनी कढ़ी बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अच्छे से किस टाइप से आपको इसका बैटर बनाना है और कैसे सॉफ्ट रहती हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी ना आसपास चिपक गई है, कोई बात नहीं, इसी कढ़ाई में मेरे को बनानी है कढ़ी। तो मेथी दाना मैंने ऐड कर दिया है, और जैसे ही हमारा मेथी दाना थोड़ा सा भुन जाएगा अच्छे से, इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम।
तो जैसे ही हमारी जो मेथी है वो भुन गई थी, उसके बाद मैंने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो मैंने पहले से बना कर रखा था। जब वो अच्छे से भुन गया तो उसके बाद मैंने प्याज डाली। प्याज को भी अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कढ़ी का बैटर, और कढ़ी का बैटर जो हमने बनाया था अब उसको हम अच्छे से चलाएंगे। और जितना पानी मुझे इसमें ऐड करना था वो भी मैंने ऐड कर लिया था, और जो बीच की क्लिप है वो मैं शूट नहीं कर पाई। इसको पकते पकते आधा से पौना घंटा हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ भी ऐड कर दी थी और अब फिनिश हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि इसी बीच में मैं कुछ काम करने लगी थी, तो बाकी जो कढ़ी का काम था वो मम्मी ने कर दिया था। चावल भी बन चुके हैं। तो हमारी जो कढ़ी है वो बन चुकी है, चावल भी बन गए हैं और आटा बना के मम्मी ने रख दिया था। जब भी कोई खाना खाएगा तो खाना मतलब रोटी उसके लिए बना दी जाएगी। और इस वाले पोर्शन में मैं आ जाती हूँ ना, तो फेस पे अलग ही येलो सा कलर की मतलब एक लाइटिंग सी रहती है। तो इतना काम हो गया है और फेस देखो कैसा मेरा एकदम रेड रेड सा हो रहा है, जलन सी हो रही है, क्योंकि फेशियल कराने के बाद अगर हम गर्मी में रहते हैं तो जलन होती है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा खाना, कढ़ी, चावल और रोटी। दूसरी सब्जी मैंने इसके साथ नहीं बनाई है क्योंकि कढ़ी तो अपने आप में ही बहुत टेस्टी होती है, इसके साथ दूसरी सब्जी तो डिस्टर्ब ही करती है, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। तो ये देखिए आज का शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली, और देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, पूरी नाली से पानी बाहर आ गया है, इस टाइप से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही थी इस वजह से ये हो गया है। और कितने पेड़ देखो कितने ग्रीन ग्रीन अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बारिश मुझे तो बहुत पसंद है और इस टाइम पर तो बारिश हो जानी चाहिए क्योंकि अब सर्दियाँ कब आएंगी पता नहीं, सर्दियों का इतना टाइम हो गया इंतज़ार करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, लेकिन नहीं आ रही है। तो अब तो गर्मी से लगभग परेशान ही हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो है खाना खा चुके हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, और मैं सारा ही काम फिनिश कर चुकी थी और रेस्ट भी कर चुकी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया आज, मैं ज़्यादा लेटी नहीं, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती। तो मैंने सोचा कि अब मैं दिन में नहीं लेटूंगी, और अगर दिन में नहीं लेटूंगी तो शायद मुझे रात को नींद आ जाएगी। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं अब क्या रहता है, तो शायद मुझे रात को नींद आ जाए, क्योंकि पता है दिन तो कट जाता है आराम से, लेकिन अगर रात को नींद ना आए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कब तक फ़ोन देखे इंसान, कब तक टीवी देखे, ऐसे ही रहता है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं रात को नहीं, सॉरी दिन में नहीं लेटूंगी, रात को सोऊंगी। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, सोई नहीं सिर्फ लेटी हूँ। तो रेस्ट करने के बाद अब मैं आई हूँ आप लोगों के सामने, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को कर देती हूँ मैं एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, फिर आप लोग हो जाते हैं बोर। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय, टेक केयर। और देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि अब मैं शाम को घूमने जाया करूँगी, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा वॉक करने गई तो किट्टू ने भी बोला कि मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ, और देखो यहाँ पर किट्टू कुछ कर रहा है। तो अब मैं वो वाली बात आप लोगों से शेयर करती हूँ जो वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखी थी, कि एक छोटी सी बच्ची है और वो कौन है, कैसे है, किट्टू के साथ क्यों खेल रही है। तो हुआ कुछ ऐसे ही कि हम लोग वॉक पर निकले, किट्टू भी अपनी साइकिल लेकर पीछे आ गया, और मतलब साथ साथ ही था ये हमारे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम एक गली में जैसे गए, बच्चे को मतलब मैं ज़्यादा मेन रोड पर नहीं लेके जाती, एक अच्छी सी गली है वहाँ पर, मतलब खेत टाइप है, रोड नहीं ज़्यादा जल्दी ट्रैफिक नहीं रहता है, तो वहाँ पर पकड़ी गुड़िया हमें दिखी, इनकी शायद दुकान है या फिर मतलब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली हूँ, तो इनकी शायद दुकान है और ये इसके चाचा हैं। तो ये इसको लेकर ना घूम रहे थे, तो जैसे उसने किट्टू को देखा ना तो, और साइकिल चलाते हुए तो वो इशारे करने लगी, मतलब उसका मन था कि मैं भी आऊँ, तो मैंने उसको ले लिया अपने साथ। तो पहले परमिशन लेकर मैं इसको ले जाती हूँ, यहाँ तक थोड़ा आगे था और साइकिल पे, तो इन्होंने बोला ठीक है, और फिर हमारे साथ साथ ये भी आ गए।
इनके चाचा जी। तो देखो ये प्यारी सी गुड़िया है, किट्टू के साथ इतना मस्ती कर रही थी, इतना मस्ती कर रही थी कि मैं नहीं बता सकती सच में। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था किट्टू को ना एक छोटी सी गुड़िया का साथ मिल गया, और किट्टू भी बहुत खुश था इसके साथ, क्योंकि बच्चा बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं, हम लोगों के साथ तो क्या ही बच्चे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक मस्ती होती है। और दोनों बहुत अच्छे से, किट्टू इतना पता है अच्छे से चला रहा था साइकिल, और देखो दोनों बहुत खुश हैं। और यहाँ पर उसके चाचा बोल रहे हैं कि आ जाओ, क्योंकि अभी अब हमारे घर जाने की बारी आ गई थी ना, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। और देखो किट्टू को बुला रही है कि आ जाओ यहाँ पे बैठो और साइकिल चलाओ। तो किट्टू भी वैसे थक गया था क्योंकि काफ़ी राउंड से ले चुका था, और यहाँ तक किट्टू बिल्कुल थक चुका था, लेकिन वो फिर भी चला ही रहा है उसको बिठा कर। और देखिए कितनी कोशिश की जा रही है उसको वापस लेने की, लेकिन वो नहीं जा रही है। और अभी हमारे घर चलने की बारी आ गई है, क्योंकि रात देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, लगभग 10:30-11 के आसपास हो रहे थे। तो घर चलते हैं और आप लोगों को भी करते हैं बाय बाय, मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।